दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों अगर आप पंजाब नेशनल बैंक का फोन पे अकाउंट आधार नंबर से ही ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहले क्या होता था कि पंजाब नेशनल बैंक का फोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम कार्ड होना जरूरी था। लेकिन आज के डेट में अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है फिर भी आप पंजाब नेशनल बैंक का फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए सिर्फ आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बड़ी आसानी से ही आप फोन पे अकाउंट खोल सकते हैं। कैसे करेंगे आज की इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से आखिर तक देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक का आधार नंबर से फोन पे अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से फोन पे एप्लीकेशंस को इस प्रकार से ओपन कर लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम इस एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर पूछा जाएगा। आप अपने मोबाइल नंबर एंटर करके जैसे ही सबमिट करेंगे आपके मोबाइल पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। उस ओटीपी को जैसे ही आप एंटर करके ओके करेंगे आप इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल के ऑप्शन, आपको सिंपली प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोफाइल के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे पेमेंट मेथड्स, ठीक है। और यहाँ पे आप नीचे देखेंगे जितने भी बैंक अभी तक अपने फोन पे अकाउंट में लिंक करके रखे हैं उस सारे बैंक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। और अगर आप एक नए बैंक अकाउंट को ऐड करना चाहते हैं तो सबसे लास्ट में यहाँ पे आ जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शंस देखने को मिलेंगे ऐड बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जितने भी पॉपुलर बैंक है वो सारे बैंक का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर आपका बैंक यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे कि हम यहाँ पे पंजाब नेशनल बैंक का फोन पे अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे पंजाब नेशनल बैंक। तो जैसे ही हमने पंजाब लिखे है तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे आ चुके हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपली उस बैंक के ऊपर इस प्रकार से क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर के थ्रू आपके बैंक को फाइंड किया जाएगा और इस प्रकार से आपका जो बैंक है वो फोन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और जैसे ही आपका बैंक सक्सेसफुली फोन पे अकाउंट में ऐड हो जाएगा, ऐड होने के बाद नीचे आप यहाँ पे देखेंगे सेट यूपीआई पिन का एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे आपके मोबाइल पे, ठीक है। मेरे यहाँ पे रिसेट पिन शो हो रहा है क्योंकि मैंने ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक का फोन पे अकाउंट में यूपीआई पिन सेट करके रखे हैं। तो मैं यहाँ पे रिसेट पिन के ऑप्शन में क्लिक करके आपको दिखाएंगे कि आप कैसे फोन पे अकाउंट में आधार नंबर से ही यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे रिसेट पिन के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप रिसेट पिन के ऑप्शन में क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का पॉपअप शो हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे सेट यूपीआई पिन यूजिंग, यहाँ पे इसके नीचे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले यहाँ पे आधार नंबर के थ्रू दिखाई दे रहा है और दूसरा यहाँ पे डेबिट कार्ड यानी एटीएम कार्ड के थ्रू यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शंस यहाँ पे शो हो रहा है। पहले यहाँ पे सिर्फ डेबिट कार्ड था लेकिन यहाँ पे आधार नंबर अभी जोड़ दिए गए हैं। अगर आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, आपके पास आधार नंबर है और वो आधार नंबर आपके बैंक के साथ लिंक है तो आप सिर्फ आधार नंबर से ही फोन पे अकाउंट खोल सकते हैं, यानी फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार नंबर को सिलेक्ट रहने देंगे और इसके बाद सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे आपको थोड़ा वेट करना है। वेट करने के बाद यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड का फर्स्ट 6 डिजिट नंबर यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटर द फर्स्ट 6 डिजिट ऑफ आधार नंबर, ठीक है। तो हम यहाँ पे आधार कार्ड का पहला 6 डिजिट नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। तो आधार कार्ड का पहला 6 डिजिट नंबर यहाँ पे फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रोसीड के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद तो आपके आधार कार्ड के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा और ये ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेक्ट कर लेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे ऑटोमेटिक डिटेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पे आपको मैन्युअली फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके बैंक अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है। तो मेरे मोबाइल पे वो ओटीपी आ चुके हैं, हम इसको यहाँ पे फिल करेंगे और इसके बाद सिंपली ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे 6 डिजिट यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन आ रहा है, ठीक। तो आप अपने मनपसंद से 6 डिजिट यूपीआई पिन सेट कर लेना है। तो हम यहाँ पे यूपीआई पिन को सेट करेंगे और इसके बाद ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पे दोबारा आपको कन्फर्मेशन के लिए 6 डिजिट यूपीआई पिन यहाँ पे आपको एंटर करना है। तो हम यहाँ पे यूपीआई पिन एंटर करेंगे और इसके बाद सिंपली ओके के ऑप्शन में क्लिक करना है।
जैसे ही आप ओके के ऑप्शन में क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो यूपीआई पिन है वो सक्सेसफुली सेट हो गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यूपीआई पिन सक्सेसफुली सेट। तो कुछ इस प्रकार से आप पंजाब नेशनल बैंक का आधार नंबर से फोन पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कि नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।